ladies and gentlemen, national anthem of India. मैं सोच रहा था कि मुझे कोबे क्यों ले जा रहे हैं, इतनी बार आया हूं, इतने सारे चेहरे हैं। मैंने कहा आज मुझे क्यों ले जा रहे हो, कौन आएगा? लेकिन मैं देख रहा हूं कि पहले से आपका उत्साह बढ़ ही रहा है। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।
करीब 7 महीने बाद एक बार फिर मुझे जापान की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। पिछली बार भी यहाँ बसे आप सभी साथियों से और जापानी दोस्तों से संवाद का अवसर मिला था। ये संयोग ही है कि पिछले वर्ष जब मैं यहाँ आया था तब मेरे प्रिय मित्र शिंजो आबेशान का चुनाव नतीजे आ चुके थे और आप सभी ने उन पर विश्वास जताया था। और आज जब मैं आपके बीच हूं तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने इस प्रधान सेवक पर पहले से भी ज्यादा अधिक विश्वास अधिक प्यार जताया है। मुझे पता है कि आप में से भी अनेक साथियों का इस जनमत में योगदान रहा है। किसी ने भारत आकर के प्रत्यक्ष काम किया, मेहनत की, 40-45 डिग्री टेम्परेचर में काम करते रहे। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर, फेसबुक, नरेंद्र मोदी ऐप, जो भी जगह से जो भी बात कह सकते हैं पहुंचाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने अपने गांव में अपने पुराने दोस्तों को चिट्ठियां लिखी, ईमेल भेजे, यानी आपने भी एक प्रकार से किसी न किसी रूप में भारत के इस लोकतंत्र के उत्सव को और अधिक ताकतवर बनाया और अधिक प्राणवान बनाया। और इसके लिए भी आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 130 करोड़ भारतीयों ने पहले से भी मजबूत सरकार बनाई है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और 3 दशक बाद पहली बार लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। भारत जिला विषय और देश उसमें ये सिद्धि सामान्य नहीं है। और वैसे तो 1984 में भी लगातार दूसरी बार एक पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन उस समय के हालात आपको मालूम है, कारण क्या थे वो भी पता है, लोग वोट क्यों करने गए थे वो भी पता है, और इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं करता हूं। लेकिन ये बात सही है कि 1971 के बाद देश ने पहली बार एक सरकार को प्रो इनकम्बेंसी जनादेश दिया है। साथियों, जो प्रचंड जनादेश भारत ने दिया है, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? तो ये जीत किसकी है? किसकी जीत है? जब मैं आपसे जवाब सुनता हूं इतना आनंद आता है कि सच्चाई की जीत है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जीत है। भारत के मन को आप जापान में बैठ करके भी भली भांति समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। उनके एस्पिरेशंस और आपके एस्पिरेशंस के बीच में कोई फर्क महसूस नहीं होता है, तब जाकर के जवाब आपके मुंह से सुनने का अवसर मिलता है।
और तब मन को बहुत संतोष होता है कि हम सही दिशा में हैं। कभी कभी स्टेडियम में हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो बाद में पता चलता है कि आउट कैसे हुआ, बॉल कहां से कहां गया था, लेकिन जो घर में टीवी पर देखता है, दूर से देखता है, उसको तुरंत पता चलता है कि वेवलेंथ में गड़बड़ है इसलिए आउट। और इसलिए आप इतने दूर बैठकर जो हिंदुस्तान को देखते हैं तो सत्य पकड़ने की ताकत आपकी ज्यादा है।